हजुर गाउँ हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी बच रहे सुबह के 7 और मैं आ गया हूँ अपने फेवरेट जगह पे जहाँ से आपको बहुत बार व्यू दिखा चुका हूँ मैं। और अभी यहाँ आने का मेन मोटो है कि आज का मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है क्योंकि धूप भी अभी सनराइज़ भी हो चुका है। क्योंकि थोड़ा आगे आ जाता तो शायद मुझे सनराइज़ भी दिखाई देखने को मिल जाता, लेकिन अभी फिर भी सनराइज़ होने के बाद कंचनजंगा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ के जो माहौल हो रहा है वो बहुत प्यारा हो रहा है क्योंकि कल से लगातार 2 दिन से बारिश हो रहा है सिक्किम पे। तो बारिश होने के बाद जब अचानक से धूप निकलता है तो मौसम बहुत प्यारा होता है। थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। One eternity later. तो नाम के हो हजार जोरले भन्नु पर्छ जोरले। आवन लिम्बू कहाँको हो तपाईँ हजार? होइन होइन, कुन चाहिँ गाउँको हो? हजुर गाउँ मङ्सुगाङ। कहाँ हो मङ्सुगाङ? टाढो हो। ए कोसँग आउनुहुन्छ? मिससँग। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? पानी खानुहुने। तपाईँको नाम लो, तपाईँको नाम ए इङ्ग्लिस, तपाईँको नाम लो इङ्ग्लिसबाट भन्नुहोस् न इङ्ग्लिसबाट। माई नेम इज अनिक लिम्बू भन्नुहोस्। यो बाहिर तल निकाल्नुपर्छ। यो कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? वानमा। लु तपाईँ स्कुल क्याप्टेन हो, लु आफ्नो भन्नुहोस्, इन्ट्रोडक्सन दिनु आफ्नो। माई नेम इज, कहाँदेखि आउनु भएको, कति क्लासमा पढ्छ? आवाज मङ्गल। अन्त क्लास क्लास फोर, आई रिड इन क्लास फोर भन्नु पऱ्यो नि। विलेज हजुर थपसिङ। आई एम स्कुल क्याप्टेन भन्नुहोस्। हाउ मेनी स्टुडेन्ट इन यर स्कुल? सिक्सटिन स्टुडेन्ट। ओके, यो चाहिँ सबै तपाईँहरूको स्कुलको हो? मिट मिक्स किया जा रहा है, इसको यहाँ रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं अभी बांधा जा रहा है इसको। अभी यहाँ पर बम्बू काटा जा रहा है, देख सकते हैं इस तरह का एरिया है, खतरनाक है। इसी बम्बू को ये यूज किया जाएगा ऊपर लगाने के लिए। अभी इस पर कपड़ा लगाया जा रहा है ताकि पानी इस पर पार ना हो, इस तरह से लगाया जाएगा।
गाइस 3 बज चुका है और अभी काम थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ से कुछ इस तरह से बनाया गया है और यहाँ छोटा सा मंच बनाया जाएगा। हाँ, छोटा सा यहाँ मंच बनाया जाएगा, उसके बाद उसी पे होगा थोड़ा बहुत जितना भी हो सके तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आपको थोड़ा बहुत बाहर से गांव के विलेज के प्राइमरी स्कूल का थोड़ा बहुत आपको टूर दे देते हैं आपको किस तरह से क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ बैठ के खाना खाते हैं, आपको दिखाया था वीडियो पर। उसके बाद है ये है क्लास 1, देख सकते हैं, और ये है शायद पता नहीं इस पर क्लास नहीं लिखा गया है, कॉमन हो सकता है। और ये देख सकते हैं ऑफिस है कुछ इस तरह से, और यहाँ से ओवरऑल व्यू देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से है। मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे और इस समय हो रहे शाम के 5, और आपको दिखाया थोड़ा बहुत बनाया, और कल शायद डेकोरेट का काम भी हो, उसके बाद परसों शायद फेयरवेल पार्टी और छोटे छोटे बच्चे सब डांस करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। और मैं गया था सुबह बहुत सुबह कम से कम 11 बजे गया था मैं घर से, उसके बाद थोड़ा बहुत जितना हो सके हेल्प किया और 3 बजे मैं वापस आ गया था घर पे। और अभी बच रहे शाम के 5, और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हम लोग गए थे सब लोग, तो मैक्सिमम क्या होता है कि यहाँ के जो बच्चे गांव के वो वही स्कूल में पढ़े हुए, तो बहुत बड़े बड़े एजेंट लोग भी थे, तो अपने बचपन की सब अपने अपने स्टोरी सुना रहे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मेरा भी हर किसी का एक लाइफ का जो भी प्राइमरी स्कूल में टाइम स्पेंड किए होंगे उनके अपने अपने कुछ स्पेशल स्टोरी होते हैं, तो काफ़ी सुनने भी अच्छा लगा और एक्सपीरियंस भी अच्छा था। तो आप सभी को मैं ज़रूर दिखाऊंगा जो पार्टी होने वाला है फेयरवेल पार्टी, तो उसके लिए आप सब बेसब्री से इंतज़ार करते रहेगा, इस चैनल पे बने रहेगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से मार दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चाहता हूँ इसी तरह हमें प्यार करते रहेगा, मोटिवेट करते रहेगा। तब तक ले चाहता हूँ आप सबसे अलविदा, बाय बाय।